तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं PUBG मोबाइल की दो गन्स का, जिनमें एक M416 और एक दूसरी है QBZ अश्वार राइफल। तो M416 है वो हमें ऑल मैप्स में मिल जाती है, कोई भी मैप हो, लेकिन जो QBZ है हमें वो सिर्फ और सिर्फ स्नोक बैग में मिलती है। QBZ को अश्वार राइफल है जो गन, ये स्कारल को रिप्लेस किया था स्नोक बैग में, लेकिन ये गन लोगों ने जब यूज़ करनी शुरू की तो उन्हें इतनी पसंद आई कि लोगों ने M416 की जगह ये गन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। दोनों गन्स की जो बुलेट्स हैं बिल्कुल सेम है, 5.6 की बुलेट डलती हैं, तो लेकिन गन में कुछ फ़र्क है। तो आज हम उनका कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे कौन सी गन सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, जो कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले हम जिनमें हम बात करेंगे वो है फायरिंग स्पीड, जो नंबर 2 पर है वो है रिलोडिंग टाइम, नंबर 3 पर होगा रिकॉइल और नंबर 4 पर होगा रेंज। तो इन चारों को कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले करते हैं फायरिंग स्पीड्स की बात। तो फायरिंग स्पीड में सबसे पहले हम करते हैं M416 की बात। तो M416 की फायरिंग स्पीड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी इतनी है और QBZ की इतनी है, यानी कि दोनों गन्स में सबसे अच्छी जो फायरिंग स्पीड है वो M416 की है। तो यहाँ पर M416 का हो जाता है एक पॉइंट। नंबर 2 पे हम बात करते हैं रीलोडिंग टाइम की। तो रीलोडिंग टाइम में जो M416 का टाइम है वो 2.3 सेकंड्स है, तो 2. बगैर किसी मैक वगैरह के, और जो QBZ का टाइम है वो 3.6 सेकंड है। तो यहाँ पर फिर M416 के हो जाता है एक और पॉइंट, तो M416 के हो गए 2, QBZ का कोई पॉइंट नहीं। तो नंबर 3 पे बात करते हैं रेंज की। तो दोनों गन्स की रेंज बराबर है, अगर आप बात करते हैं M416 या QBZ दोनों गन्स की, तो दोनों गन्स की बिल्कुल सेम रेंज है, यानी कि बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में सेम बुलेट डलते हैं, गन्स भी एक ही तरीके की हैं, तो दोनों की सब चीज़ सेम है। तो अगर हम बात करें तो पॉइंट्स की, तो कोई पॉइंट्स नहीं यहाँ पर मिलता। अगर रिकॉइल की बात की जाए तो M416 का रिकॉइल है ज़्यादा और QBZ की नस्बत, क्योंकि अगर हम गन्स को यूज़ करें तो QBZ है वो 10 मीटर के अंदर अंदर रही है, M416 है वो 10 मीटर के बाहर चली गई है। तो यहाँ पर मिलता है QBZ को एक पॉइंट। दोस्तों आज की वीडियो में जो गन जीती है वो M416, अगर बात की जाए इनके यूज़ की तो M416 को मैं ज़्यादा अच्छा कहता हूँ, क्योंकि इसका रीलोडिंग टाइम ज़्यादा है। अगर आपको एनिमी आता है और आपकी गन लोड पे लग जाती है वो लेगी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम, 2.3 सेकेंड, तो ज़्यादा अच्छी गन M416। तो मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, मेरी भी फेवरेट गन है। तो दोस्तों आपकी कौन सी गन फेवरेट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।